केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। यूपी के निवर्तमान मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि इस देश को 2047 तक विश्व के शिखर तक पहुंचा सकती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में राम मंदिर यूं ही स्थापित नहीं हो गया, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला वहां भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए। यदि इस लोकसभा चुनाव में कोई कमी रह गई तो निश्चित रूप से वहां फिर से बाबरी मस्जिद विपक्ष बनाकर खड़ी कर देगा। इसलिए देश की संसद में भाजपा व पीएम के रूप में मोदी का रहना बेहद जरूरी है। सुनील भराला आगरा में शिक्षक व प्रबंधक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का आयोजन भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के समर्थन में किया गया था। देखिए क्या कहा निवर्तमान मंत्री सुनील भराला ने। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन का अभ्यास है और संकेत है इस बात के, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो इसी प्रकार बम से उस मंदिर को उड़ा दिया जाएगा और वहां बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे और फिर तुम्हारी नस्लें लंबे समय तक आंदोलन करके वहां राम मंदिर निर्माण नहीं कर सकते। ये अस्मिता चुनाव है सब इस पर डरना लगे। अभी जब ये बात आप इसे गंभीरता से देखेंगे, एक सवाल नहीं है, इस 10 साल की सरकारों ने यानी के प्रधानमंत्री जी ये कितने काम किए वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व किए हैं और जो काम करने हैं 2047 तक, ऐसे नहीं है। इस देश को विश्व में नंबर एक बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो साथियों आपकी पार्टी मिलकर के सबने इस मंच में एक बड़ा आंदोलन 500 साल के तो हमें इतिहास याद नहीं, लेकिन ये आंदोलन 500 साल से भी ज्यादा था। ये आंदोलन हमें खंडेलवाल जी की याद है, हमारी गिरफ्तारी हुई, जेलों में गए और जेलों में आप सामने बैठी बहनें हमारी मुलाकात करने आती, राम जन्म भूमि आंदोलन को लेकर के लड़ाई लड़ते थे और हमें कभी दुख नहीं होता था, हमारे परिवार को कोई कष्ट नहीं होता था। हम जेल में गए और जेल में नारा होता था वो ये दीवाने कहां चले, जेल चले भाई जेल चले, जेल के ताले टूटेंगे ये दीवाने छूटेंगे, इसको लेकर के राम मंदिर को लेकर के भगवान राम का मंदिर वही बनाएंगे जहां था, जहां बाबर ने गिराया था उसको। ये आंदोलन कितने साल चला, 500 साल, कितने साल चला ये आंदोलन, ये आंदोलन 500 साल तक चला। बहुत सारे लोग शहीद हुए उस आंदोलन में, बहुत सारों के हाथ टूटे, पैर टूटे, कई कई दर्जन मुकदमे लगे, उनके जीवन खराब हो गए। साथियों जब ये मंदिर का निर्माण कोई एक दिन की बात नहीं, और आपको देखा होगा अभी इस 2024 के चुनाव में आया एक सहजा ने कब से चुनाव लड़े थे केरल में सब जानते, वायरल से उठना पड़े, वहीं से एक वीडियो वायरल होती है और उसमें भगवान श्री राम का मंदिर दिखाया जाता है और जब वो मंदिर दिखाते हैं वो उठता है तो उसके अंदर बम्ब लगे होते हैं और उस रिमोट से रिमोट चलता है और वो बम्ब पटता है और मंदिर उड़ जाता है। साथियों जब मंदिर उड़ जाता है तो वही बाबरी मस्जिद दिखाई देती है। जब आपने 500 साल लड़ाई लड़के भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कराया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान राम के मंदिर में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ हम सबने दीपक जलाए, दिवाली मनाई, होली मनाई, खुशी मनाई। अगर कोई ऊंच नीच हो गई इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।